लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। में तेरी सारी सिद्धियां समाप्त हो चुकी हैं। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना तूने? कुछ नहीं। रावण, तेरी बची हुई शक्तियां भी नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं। यदि अब भी तेरे मन में कोई लालसा बची है तो उसका भी प्रयोग करके देख ले। सूर्यदेव, हम इस रथ को ही समाप्त कर देंगे जो हमारी पराजय का कारण बन सकता है। अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट कर रहा है। यह रथ तेरी मृत्यु का प्रतिबिंब है राव। जा, भाग जा, भाग जा। इंद्र, संभाल अपने आप को। रावण, अब तू अपने आप को संभाल। देवगणों, शत्रु अब देवताओं से भय खाने लगा है। रावण भाग रहा है। देवराज, इस दिव्य रथ को हमें इसी समय यहां से अदृश्य करना होगा। हम श्री राम रावण संग्राम के दिन इसे उचित समय पर श्री राम को भेंट करेंगे। लक्ष्मण! लक्ष्मण,
नाग माता, मैं आपकी पुत्री सुलोचना आपके सामने सुहागन के रूप में उपस्थित हूं। माता मेरे सुहाग की रक्षा। कोई नहीं मार सकता। अवश्य इसमें कोई माया है। अवश्य कोई मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है। स्वामी, यदि मेरे सतीत्व में बल है, यदि मैंने सच्चे मन से आपको अपना पति माना है, और यदि ये सचमुच आप ही का हाथ है, तो कृपया मुझे बताइए आपका वध किसने किया है? किसने किया है? एक पत्नी के लिए अपने पति का कटा हुआ मस्तक देखने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? आप तो दया निधान हैं, कृपया कुछ करिए। Come on.
कन्या देवी सुलोचना, आपके पति युद्ध भूमि में अपने पिता के लिए युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आप धैर्य धारण कीजिए। आप श्री राम है ना? आपकी कीर्ति गाथा बहुत सुनी है, सुना है आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं। हे देव, यदि मेरे सतीत्व में बल है, यदि मैंने अपने जीवन में केवल और केवल एक पति को अंगीकार किया है, तो अभी इसी समय मुझे इस धरती से उठा लीजिए। मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित रहना नहीं चाहती। हे देव, मुझे मुक्ति दीजिए। हे देव, मुझे मुक्ति दीजिए। हे देव, मुझे मुक्ति दीजिए। 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 एकनाथ हमें छोड़कर नहीं जा सकता। वो राक्षसों का गौरव है, वो राक्षस कुल शिरोमणि है। झूठ बोल रहे हो ना? कह दो ये झूठ है, बोलो ये सत्य नहीं है। लंकेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूं। लक्ष्मण के हाथों लंका युवराज वीरगति को प्राप्त हो गए। यदि युवराज वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
हमारा युवराज मेघनाथ हमसे भी शक्तिशाली है। जिस इंद्र को हम नहीं जीत पाए, जिस इंद्र को रावण नहीं जीत पाया, उसे बंदी बनाकर मेघनाथ इंद्रजीत मेघनाथ बना। उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। क्यों राक्षस अपने युवराज की रक्षा नहीं कर सकता? उसे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए उसे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। हमें पीठ दिखाकर भागने वालों, हम तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे।